क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं हो। आपको पता है ना कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो पहला मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे ही होता है। सेकंड होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। आवाज आ रही है बच्चों? तो पहला होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जब रखते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि बड़ा नंबर आ गया तो कटने में भी दिक्कत और मल्टीप्लाई में भी दिक्कत, ठीक है। तो हमने फिर नया मेथड बना लिया, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या है, एक वेरिएबल हम कट कर देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है इसे भी सॉल्व करने में थोड़ा मुश्किल आता है, तो हम थर्ड मेथड यूज करते हैं, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? लीनियर इक्वेशन की बात करो तो कैसा होता है, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इक्वल जीरो और ए टू एक्स बी टू वाई सी टू इक्वल जीरो, ठीक है। अगर हम ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू निकालें और वो नॉट इक्वल आ जाए बी वन अपॉन बी टू, तो हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे कहते हैं। टाइप करो यस बच्चों, अगर ऐसे ही होता है तो। अब क्या है, ये तो इक्वल है बट सी वन अपॉन सी टू अगर नॉट इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल आ जाए सी वन अपॉन सी टू, तो हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करो जल्दी से। अब देखो अगर ये भी इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन, ऐसे तो होता है यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करो फटाफट। अगर देखो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना है, अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कैसे करेंगे, इन सबके कॉफिशियंट आपको लिखने हैं, इन सबके कॉफिशियंट लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, बी वन यहां पर बी टू यहां पर सी वन यहां पर सी टू यहां पर ए वन यहां पर ए टू यहां पर फिर से बी वन बी टू, कॉफिशियंट लिखने हैं आपको, ठीक है। कैसे, पहले एक्स वाले कॉफिशियंट हटा दो या एक्स वाले वैल्यू हटा दो, तो यहां पर बचेगा बी वन बी टू सी वन सी टू, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, B1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ और B2 की मल्टीप्लाई C1 के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। यहां से इसे हटा दो, B1 की मल्टीप्लाई करनी है C2 के साथ, B2 की मल्टीप्लाई करनी है C1 के साथ, समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसे ही Y वाली वैल्यू हटा दो तो क्या आएगा, A1 की मल्टीप्लाई C2 में और A2 की मल्टीप्लाई C1 में, ठीक है। आप बस कॉफिशियंट लिखो ऐसे, C1 की मल्टीप्लाई A2 में और C2 की मल्टीप्लाई A1 में, और फिर C वाला हटा दो, A2 की मल्टीप्लाई B2 में और A2 की मल्टीप्लाई B1 में, समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। अब यहां पर X की जो वैल्यू आएगी वो पहले वाले की वैल्यू आएगी, B1 C2 माइनस होगा B2 C1, ऐसे हम लिखते हैं, याद रहेगा। फिर दूसरी वाली वैल्यू हमारी Y की रहती है, y की वैल्यू क्या आएगी, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। और तीसरी वाली वैल्यू क्या रहेगी,
तीसरी वाली वैल्यू रहेगी वन कांस्टेंट, मतलब वो आएगा हमारे पास वन अपॉन में ए वन बी टू माइनस, याद रखना दूसरे वाला माइनस में रहता है, ए टू बी वन। जल्दी से नोट करो ये, जल्दी से नोट करो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x प्लस वाई इक्वल 5, 3x प्लस 2y इक्वल 8। ए वन की वैल्यू यहाँ पर, ए वन की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ए टू की वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी वन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी टू की वैल्यू 2 है, सी वन की वैल्यू -5 है, सी टू की वैल्यू -8 है, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू नॉट इक्वल है बी वन अपॉन बी टू। ठीक है, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू नॉट इक्वल है बी वन अपॉन बी टू, तो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, जब अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है हमें, पहले बी वन लिखना है, फिर बी टू लिखना है, फिर सी वन लिखना है, फिर सी टू लिखना है। याद रखना इक्वल के इधर लेकर आया हूँ मैं, साइन बहुत ज़रूरी है। फिर ए वन लिखना है, फिर ए टू लिखना है, और फिर से बी वन बी टू लिखना है। ठीक है, याद रहेगा, पहले बी वन बी टू, फिर सी वन सी टू, फिर ए वन ए टू, और फिर लास्ट में फिर से बी वन बी टू। इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वाई होगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो वन होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो -8 माइनस के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो -10, ऐसा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, टाइप करो यस अगर समझ में आ रहा है तो। अब वाई के अपॉन में क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो -15 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस का 16 आएगा। साइन बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, जिसका जो साइन आने वाला है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, साइन गड़बड़ हो गया तो फिर क्यों सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास 1 के अपॉन में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें तो माइनस में 3। नोट करो जल्दी से इसे, देखो फाइनल सॉल्यूशन क्या आने वाला है। अब देखो फाइनल सॉल्यूशन क्या आने वाला है, एक्स अपॉन में -8 +10 हो गया, वाई अपॉन में -15 +16 हो गया, और वन अपॉन में 1 आ गया। टाइप करो यस अगर समझ में आ रहा है तो। एक्स अपॉन 2 आएगा, वाई अपॉन 1 आएगा, और वन अपॉन 1 चल ही रहा है। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशो, फर्स्ट और लास्ट रेशो को अगर हम ले रहे हैं तो एक्स अपॉन 2 इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 1, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम मैनर टेकिंग सेकंड एंड लास्ट रेशो, तो यहाँ पर y अपॉन 1 इक्वल में 1 अपॉन 1, यानी y की वैल्यू 1 आने वाली है। तो यही हमारा सॉल्यूशन है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।